कल रात को मेरे पास SMS आया, डियर कस्टमर योर SBI अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड टुडे, अपडेट योर पैन कार्ड। लिंक पे क्लिक करूंगा तो ऐसा पेज खुल जाएगा। गौर तो ये फरमाए कि ऊपर URL में कुछ रैंडम लिखा है, ये SBI का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। ये फॉर्म को तो इग्नोर कर देते हैं, नीचे कैप्चा पे आते हैं। आप कैप्चा को रिफ्रेश करने का ट्राई करो, होगा नहीं, क्योंकि भैया ये कैप्चा नहीं है, ये कैप्चा का फोटो है। आप पासवर्ड भूल गए, कोई नहीं, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर लो। आप क्लिक करोगे यही पेज वापस रीलोड हो जाएगा। ये बटन्स भी फर्जी हैं, बट यू नो व्हाट, आपके लिए मैं ये फॉर्म भर के लॉग इन करूंगा। यूजर नेम नहीं बताऊंगा, पासवर्ड रैंडम कुछ भी डाल दूंगा, मोबाइल नंबर रैंडम कुछ भी डाल दूंगा, और कैप्चा जब वो असली ही नहीं है तो नकली ही डाल देता हूँ, तो भी ये आगे बढ़ जाएगा। OTP नकली डाल देते हैं। कस्टमर नेम नहीं बताऊंगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं बताऊंगा, फिर से OTP मांग रहा है, मेरे पास कमी ही नहीं है नकली OTP की, वापस डाल देते हैं। फिर आपके आधार और पैन कार्ड नंबर भी मांग रहा है, वहां पर भी मैंने फर्जी डाल दिया, फिर भी सबमिट हो गया। फिर से OTP मांग रहा है, कोई कमी नहीं है, ले लो। अब अगर मेरी जगह आपने ये सारी डिटेल्स असली डाली होती तो अब तक आपका बैंक खाली हो चुका होता। ये स्कैम्स कैसे होते हैं, कौन लोग फंसते हैं, और आप अगली बार कैसे नहीं फंसोगे, इस पर एक लॉन्ग वीडियो पब्लिश हुआ है, आपको टॉप कमेंट में लिंक दे रहा हूँ, प्लीज जाकर देखो एंड शेयर करो।